नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। बहुत से मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मीटर जो है उसको रीड एंड राइट करने के लिए देखिए इन सब चीज़ों को मैं उतना खास सपोर्ट तो करता नहीं हूँ, बट फिर भी जो रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास में बार बार कॉल्स एंड व्हाट्सएप्स पर भी मुझे आया कि भाई मीटर को रीड एंड राइट करने के लिए अच्छा टूल कौन सा होगा, एंड मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद मैंने जाना कि भाई हर टूल जो है ना उतना कैपेबल नहीं होता है, और रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि भाई बिना मीटर ओपन किए जो टूल हमारा काम कर दे। तो उसमें मैंने एक चीज़ एनालाइज की कि वो 100% नहीं आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे पाते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनके मीटर्स आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो आज का जो टूल है हमारा वो मीटर रीड एंड राइट करने के लिए है मगर मीटर निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो टूल है ये मार्केट में अवेलेबल मैक्सिमम गाड़ियों का मीटर रीड एंड राइट कर देता है, वो टूल है हमारा UPA। ये UPA का ओरिजिनल वर्जन है, इसका क्रैक वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि काफ़ी सस्ता मिल जाता है और ओरिजिनल थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मगर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई 4 पैसे आप ज़्यादा लगाओ मगर चीज़ ओरिजिनल रखो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये मैंने एनालाइज किया बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और काफ़ी ईजी टू यूज़ एंड रिलायबल है। जिसको यूज़ करते नहीं आता है उसके लिए ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी अवेलेबल है हमारे पास में। तो जो है आज मैं आप लोगों को मारुति स्विफ्ट का मीटर रीड एंड राइट करके दिखाऊंगा। देखिए वो मीटर वहाँ पे है, दिखाइए। ये मीटर में जो है रीडिंग आ रही है समथिंग 15,247। अब इस रीडिंग को जो है मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो सबसे पहले मैं अपना टूल आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा UPA है, ये उसके केबल्स एंड कनेक्टर्स आते हैं जो कि मीटर में कनेक्ट किए जाते हैं, और ये उसका सॉफ्टवेयर जो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे रख के चलाएंगे। इसमें लगभग लगभग जो है सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। एक सेकेंड ना, देखिए फ्रेंड्स, कार्स में देखेंगे आप तो यहाँ पे लगभग लगभग ओवरऑल जो मार्केट में चलने वाली मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं वो सारी अवेलेबल हैं। अब इसमें जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये ह्यूंडई भी है, होंडा भी है, इवन महिंद्रा भी है, मारुति भी है। तो जो है हमारा जो है उसको सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि मीटर को ओपन करेंगे, उसके ऊपर जो IC का नंबर लिखा रहेगा उस IC के नंबर के हिसाब से हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो ये मीटर है इसे ओवरऑल कर लिया है, और यहाँ पे जो है MCU के पास वाली जो ये वाली IC है इस IC का नंबर है 93S66। ओके, सो ये वाली IC मैंने सॉफ्टवेयर में ढूंढी और मुझे ये मिल गई है, स्विफ्ट वीडियो 93S66। तो अब जो है मैं अपना ये जो कपलर है इसे इसमें लगाऊंगा। अगर कपलर गलत लग जाएगा तो आप पलटी पलटी करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसे ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये मैं रीड पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरी रीडिंग है ये आ गई 15,246। अब जो है अब मैं इसमें नई रीडिंग डालूँगा 1,95,235। उसके बाद जो है मैं इसे अप्लाई करूँगा और राइट करूँगा और यहाँ पे प्रोग्राम में यस कर दूँगा, तो ये सक्सेसफुल हो गया और अब ये डाटा वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई भी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद जो है मैं अगर वापस इसको रीवेरीफाई करने के लिए एक बार वापस से रीड करके देखिए कि रीडिंग में कितनी रीडिंग आ रही है रीड करने के बाद में, तो देखिए रीड करने के बाद भी हमारा 1,95,234 किलोमीटर दिखाने लगा। इसमें फ्रेंड्स गाड़ियों की जो कवरेज है वो बाकी सारे टूल्स से मुझे कहीं ज़्यादा मिली है, जैसा कि मैंने अभी तक के यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। जैसे कि आप यहाँ पे कंपनीज के नेम वगैरह देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको महिंद्रा का दिखाऊँ तो ये देखिए महिंद्रा का बोलेरो स्कॉर्पियो XUV थार TUV एक्सेट्रा, एंड उसके अलावा स्कोडा सीट रेनॉल्ट ह्यूंडई होंडा मारुति सुजुकी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट हियर। लाइक ये अपनी टाटा की अल्ट्रोज हैरियर हैक्सा इंडिका विस्टा नैनो टाइगोर
या फिर हम चाहें तो टोयोटा की देखिए तो यहाँ पे इनोवा ट्यूनर से लेकर के शर्मी कोरोला इटियोस सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। इसका जो कवरेज है ना मीटर की अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अलावा जो है हमारा इमो एंड स्मार्ट की भी इसमें प्रोग्राम हो जाती है। उसके अलावा जो है हम बाई आईसी यानी कि कौन सी आईसी है उसके अकॉर्डिंग भी रीड एंड राइट कर सकते हैं इसे, और ईसीयू को भी रीड एंड राइट किया जा सकता है इससे। तो ये जो टूल्स है ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी टूल है एंड इससे इसके साथ में काम करने का एक अपना ही मज़ा होता है। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैंने आपको रीड एंड राइट करके तो दिखा दिया, मगर अब इस मीटर को वापस से असेंबल करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि रीडिंग कितनी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, इस मीटर को मैं असेंबल करूँगा। फ्रेंड्स, ये मीटर असेंबल हो गया। अब जो है मैं इसे कैन बॉक्स के सहारे ऑन करूंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मीटर रीडिंग है वो 195,235 किलोमीटर की आ चुकी है। ओके, सो यूपीए का सिर्फ इतना ही यूज़ नहीं है जैसा कि मैंने बताया, इससे आप ईसीएम रीड एंड राइट भी कर सकते हैं, मीटर रीड एंड राइट कर सकते हैं, कीलेस एंट्री का भी काम कर सकते हैं इससे, और भी बहुत सारे काम इसमें होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह नरेंद्र जी का नंबर दिया हुआ है। इस टूल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए प्लीज़ इनसे बात कीजिए, ट्रेनिंग की बात करनी है इनसे कीजिए, और हमारी जो कॉल अटेंड का टाइम है वो मैं फिर से एक बार मेंशन करना चाहूँगा, 10:00 से लेकर के 7:00 तक के, उसके पहले और उसके बाद हम कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं। ये मेरी पॉलिसी है, क्या है कि किसी को बुरा लगे उससे अच्छा है कि पहले ही हम अपनी पॉलिसी क्लियर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।